सकती है आप तक पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि जहां कुछ हद तक का कोरोना कम हुआ है, लेकिन वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार जारी है, जिसकी वजह से कोरोना जो है कम होता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना को मात दी जा सकती है वैक्सीनेशन के थ्रू। वहीं अब बच्चों को भी वैक्सीन डोज लगवाई जा रही है और आज से बच्चों को यानी कि 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन लगवाई आज से शुरू हो गई है वैक्सीन की प्रक्रिया। वहीं अब निरीक्षण करने पहुंचेंगे। वहीं आपको यह भी बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी अस्पताल का निरीक्षण करेंगे कि आखिर किस तरीके से व्यवस्था की गई है। 12 से 14 साल के बच्चों का आज से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। वहीं कुछ बच्चों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है वैक्सीनेशन को लेकर के। 12 से 14 साल के बच्चों का आज वैक्सीनेशन होगा, बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि बच्चों को कोवैक्स वैक्सीन लगवाई जाएगी। बूथ वैक्सीनेशन निरीक्षण का समय सुबह 8 बजे रखा गया है। वहीं बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है वैक्सीनेशन को लेकर। वहीं जिस तरीके से अब स्कूल भी खोल दिए गए हैं, तो वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं अब काफी ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए भी। जिस तरीके से जो कोरोना काल है, वो कोरोना जो है फैले नहीं, एक संक्रमण ना फैले और इसको यहीं पर ही रोक दिया जाए। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना एक जो लहर देखने को मिलती, पहली दूसरी लहर, वहीं तीसरी लहर भी आई और जो देखने को मिला, एक तनाव भी देखने को मिला। वहीं बच्चों के अंदर भी एक प्रेशर था, एक डर का माहौल पैदा हुआ था, जिसके वजह से बच्चों को भी ऑनलाइन परीक्षा हो रही थी। वहीं तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं लखनऊ से पंकज मंडल और कानपुर से शिवराज साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पंकज से जानना चाहेंगे। पंकज, जिस तरीके से आज से अब वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा बच्चों का, 12 से 14 साल की उम्र का जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है अस्पताल के बाहर? आपको बताना चाहूंगा कि आज पूरे देश में 12 से 14 वर्ष के बच्चों को टीकाकरण होना है। वही वैक्सीनेशन को लेकर राजधानी लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में यहां पर पहुंचेंगे और इसका निरीक्षण करेंगे, जायजा लेंगे। जितने भी सरकारी सेंटर है सभी जगहों पर ये वैक्सीन निःशुल्क दी जाएगी, फ्री दी जाएगी, उसको लेकर सिविल हॉस्पिटल में देख सकते हैं। कि 9 बजे से टीकाकरण के लिए 9 बजे से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा। वही आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन अगर ना हो तो आप सेंटर पे पहुंच कर भी वैक्सीनेशन कर ले सकते हैं। इसको लेकर तमाम स्कूल के यहाँ पर बच्चों को बुलाया गया है। जी जी पंकज, और भी तमाम जानकारी हासिल करेंगे, उससे पहले हमारे साथ शिवराज भी मौजूद है कानपुर से। शिवराज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जहाँ बड़ों को वैक्सीन लग रही थी, वहीं अब बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ गई है और 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन की प्रक्रिया जो है वो आज से शुरू हो जाएगी, क्या कुछ देखने को मिल रहा है कानपुर में? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से कोरोना काल रहा, पहली लहर और दूसरी लहर, उसके बाद तीसरी लहर, तो लोगों के अंदर निश्चित ही डर का माहौल बना हुआ था। बच्चों को लोग काफी लोग डर रहे थे, जिस प्रकार से स्कूल सभी खोल दिए गए, कोचिंग सेंटर खोल दिए गए, तो ऐसे में बच्चों को लेकर काफी चिंतित थे परिजन। आप लगा अगर 12 से 14 साल के बच्चों को जो वैक्सीनेशन किया जा रहा उसको देखते हुए परिजनों की बात की जाए तो खासा उत्साह देखने को मिला, बच्चों के अंदर उत्साह देखने को मिला। आज 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। वहीं जो केंद्रीय सचिव है स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने पत्र लिखा है, सभी प्रदेश के जो मेडिकल विभाग है उनको पत्र लिखा है कि सभी बच्चों को जो 12 से 14 साल के बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन किया जाए। और जो भी आपका कानपुर की बात की जाए तो जो भी सरकारी अस्पताल है, जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, वहां पर आज सभी 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही व्यवस्थाएं की गई है कि जो बच्चे वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर पर आते हैं, अगर उनका वैक्सीन नहीं हो पाया है तो वहीं पर उनका वैक्सीनेशन कराया जाएगा और वैक्सीनेशन किया जाएगा। जी शिवराज, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी।